बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और उसके आधुनिकीकरण के लिए 16,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं बर्नपुर के पोलो ग्राउंड पर बने स्टेज पर, यहां से वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे इसको के जो आधुनिक प्लांट है उसको, और जो उन्होंने अभी दौरा किया वहां पे, आप कुछ ही देर में इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। हम स्वागत करते हैं गवर्नर पश्चिम बंगाल माननीय, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बर्नपुर के पोलो ग्राउंड से। साथ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं, और अन्य गणमान्य जो व्यक्ति हैं, जो मेहमान हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने और अब ये कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे इसको, जो इसको का नया कारखाना है, जो नया प्लांट है, 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, कई मायनों में खास है। प्रोडक्शन बढ़ेगा इसके बाद से, कहा जा रहा है कि इसके बनने से एक तरह से कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल में औद्योगिकीकरण की जो नई एक शुरुआत है उसको गति मिलेगी। केंद्र सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और जो नया कारखाना है वो स्टील इंडस्ट्री को, ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने में गति देगा। इसको के जो नया प्लांट है इसको बनाने में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं पॉस्को जैसे, उनके साथ कोलैबोरेशन किया गया और काफ़ी समय की, काफ़ी जद्दोजहद की के बाद और मेहनत के बाद इसको कड़े परिश्रम और लगन के बाद तैयार किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये इको फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। किसी भी तरह के जो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं किसी भी कारखाने से, वो इसमें नहीं होंगे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। सुरक्षा का पूरा विशेष ख्याल रखा गया है इतने बड़े निर्माण में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बताया जा रहा है आधुनिक प्लांट, और जो इसका कल्याणी का जो प्लांट है जो वो काफ़ी बड़ा है। শ্রী বিশ্বকান্ত সাইজি আর মঞ্চের সেলের সমস্ত আধিকারিকদের আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রথমেই আপনাদের জানাই যে আজকে একটা হিস্টোরিক ব্যাপার আসানসোলে বার্নপুরে ঘটেছে। আপনারা জানেন এত বড় ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্লাস্ট ফার্নেসের আজকে উদ্বোধন হলো আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে। আমি আপনাদের এইটুকুনি বলবো, জোরদার একটা হাততালি বাজান, বুঝিয়ে দিন যে আপনারা আছেন এবং আমরা সবাই মিলে নতুন ভারত গড়ার স্বপ্নে মঞ্চে জানা আছেন সবাইকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাব। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো, অপেক্ষা করব। হামারে মাননীয় আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী জি হামে জো বাত বোলেঙ্গে, হাম উনকে মার্গদর্শন মে আগে চলনে কি প্রতিশ্রুতি লেঙ্গে। আপ সবকো নমস্কার, থ্যাংক ইউ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री बाबुल सुप्रियो जी। अब हम अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से कि कृपया आज के इस शुभ दिन अपनी शुभकामनाएं हम सबको दें। अरुण, ये अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये खास है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, इस मायने में भी कि औद्योगिकीकरण को एक नई गति देगी और बिजनेस के लिहाज से काफी बूस्ट होगा सामाजिक, माफ कीजिएगा, फिलहाल हम अरुण से बाद में बात करेंगे, अरुण आपको होल्ड पे रखेंगे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री उनके संबोधन को सुनते हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी, हमारे इस्पात और खान विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, आप सबके लोकप्रिय नेता, आपके सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय श्री बाबुल सुप्रियो जी, इस क्षेत्र के विधायक
और राज्य शासन के श्रम मंत्री श्रीमान मलय जी, सेक्रेटरी स्टील श्री राकेश जी, सेल चेयरमैन श्री वर्मा साहब और इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी देवी और सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज मेरे लिए भी और आसनसोल क्षेत्र के लिए भी और इसको स्टील प्लांट के लिए भी यह बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है जब हमारे इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राज्यपाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने का निमंत्रण स्वीकार किया और उनकी उपस्थिति आज इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित सज्जनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का पहला आगमन हमारे इस क्षेत्र में हो रहा है, हम सब दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से जोरदार प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। यह बर्नपुर स्टील प्लांट बहुत ही प्राचीन प्लांट है। एक समय था जब यह प्लांट पूरी तरह सिक हो गया था। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्लांट को दोबारा रिवाइव करने का निर्णय हुआ और आज 16,000 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टील प्लांट फिर से पुनर्जीवित हुआ है और देश की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस के साथ 2.9 मिलियन स्टील की क्षमता वाला प्लांट बन गया है। आज प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को जहां एक और धन्यवाद देना चाहता हूं, वहीं आप सबको हृदय पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हमारा यह स्टील प्लांट आने वाले कल में और क्षमताओं से भरपूर होगा, इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सेल देश की बहुत बड़ी स्टील उत्पादन वाली क्षमता है। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया है कि हम आने वाले समय में 2025 तक भारतवर्ष में 300 मिलियन टन स्टील की उत्पादन क्षमता विकसित करेंगे। सेल ने उसके अंतर्गत यह लक्ष्य तय किया है कि हम अपनी उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन तक करेंगे और जब 50 मिलियन टन पूरी सेल की क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता अगर कहीं बढ़ेगी तो पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी और इसको स्टील प्लांट में बढ़ेगी, दुर्गापुर स्टील प्लांट में बढ़ेगी। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जो दूसरा चरण भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस इसको स्टील प्लांट का लेने वाले हैं, उसमें 16,000 करोड़ रुपए का निवेश पश्चिम बंगाल की धरती पर आएगा। दुर्गापुर भी बहुत पुराना प्लांट है, उसका एक्सपांसन और मॉडर्नाइजेशन का चरण शुरू होगा तो इस पश्चिम बंगाल की धरती पर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की स्थिति है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब इसको प्लांट की भूमि का विषय आया तो हमारी बहन ममता बनर्जी ने बहुत ही उदारतापूर्वक रुचि लेकर उस विषय का निराकरण किया, इसके लिए मैं ममता बनर्जी जी को। फिलहाल